मेरा नाम डॉक्टर प्रशंसा गरेवाल। मैडम ये जो क्लिनिक पे आप बैठी हुई हैं वो किस एरिया में है? ये 19 ब्लॉक कल्याणपुरी चांद सिनेमा के पास ये वाला एरिया है। ठीक है मैम, आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठती हैं? अब मुझे एक साल हो गया, सितंबर में लगी थी, सितंबर में मेरा एक साल पूरा हो गया। एक साल के अंदर अभी आपको मोहल्ला क्लिनिक पे बैठते हुए कैसा लगा इस एरिया के अंदर? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मरीज जो कि दवाई वगैरह जिनको नहीं मिलती थी, लाल बहादुर में बहुत लंबी लाइन लगाते थे, 9 बजे जाते थे और 2 बजे तक उनका नंबर ही नहीं आता था दवाई लेने के नाम से, उनको अब ये आसानी से मिल जाती है। वहाँ से बीपी शुगर थायरा की जो दवाइयाँ पर्ची बन जाती है वो लोग वहाँ लाइन छोड़ के यहाँ जाते हैं और 10-10 दिन की दवाइयाँ लेके चले जाते हैं। कौन कौन से टाइप के पेशेंट का इलाज करते हैं? सबसे ज़्यादा तो बीपी शुगर और थायराइड के मरीज होते हैं जो अपनी कंपलसरी जो रेगुलर दवाइयाँ होती हैं उनको लेने आते रहते हैं 10-10 दिन की, जब खत्म होती है फिर और अच्छे घर के लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी वाले तो मतलब इसमें से जैसे हम लोग 100 से 150 मरीज डेली देखते हैं तो उसमें से कम 70 मरीज तो गरीब होते हैं और बाकी जो मरीज हैं वो अच्छे घर के होते हैं, जिनके जो लोग प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आते हैं। ये एरिया स्लम एरिया है जी, ठीक है ना। किस किस टाइप की दवाइयों को लेकर आपके पेशेंट आते हैं और किस किस तरीके के पेशेंट आपको जो है ट्रीट करने में आसानी होती है और कौन कौन सा पेशेंट ऐसे जिनको पूरी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती हैं? इसमें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्लम एरिया के कारण जो पानी की गंदगी और रहन सहन की कमी होने के कारण जो इन लोगों को है सबसे ज़्यादा फंगस, चमड़ी की बीमारियाँ, इसके बीज है और ये क्या बोलते हैं फंगस इन्फेक्शन है, तो ये सारी दवाइयाँ पूरी तरीके से नहीं मिल पाती हैं। जैसे उनकी जो डोज चल रही है वो फिर ख़त्म हो गई तो फिर दूसरा कोई साल्ट लगाना पड़ गया, तो इस तरीके से उनका जो रेगुलर पूरा कोर्स होता है वो नहीं हो पाता है, कुछ उनकी गड़बड़ी के कारण और कुछ हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके स्पेसिफिक डिसीज़ यहाँ पे कोई डायग्नोज हुई है क्या? स्पेसिफिक मतलब कोई नई बीमारियां नहीं, नई बीमारियां तो ज़्यादा डायग्नोसिस नहीं हुई। कौन कौन सी दवाई आपको अवेलेबल हो जाती है और कौन कौन सी दवाई आपको अवेलेबल होने में परेशानी आती है? अभी तो 2-3 महीने से केवल पैरासीटामोली ऐसी दवाई जो टैबलेट के रूप में मिली नहीं रही है। अच्छा, और बाकी तो मोस्टली मिल जाती हैं दवाइयाँ। तो ऐसा क्यों है कि मतलब प्राइवेट में तो आपको सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं लेकिन गवर्नमेंट में आपको सप्लाई नहीं होती है, शॉर्टेज क्यों है गवर्नमेंट में? ये वाली बात उन लोगों ने हम लोग को बताई नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, जबकि मतलब हमारे जो हेड लोग हैं सीडीएम ऑफिस हैं डॉक्टर आहूजा हैं, हाँ तो उन्होंने यही बोला कि कुछ शॉर्टेज ऊपर से आ रही है, यहाँ तक कि लाल बहादुर वाले लोग जो डिस्पेंसरी में देते हैं फिर डिस्पेंसरी से हम लोग को मिलती है तो डिस्पेंसरी वालों के पास भी नहीं है पैरासीटामॉल। अच्छा, और वो करीब 4 महीने से। और कोई दवाई हो जो जैसे कुत्ते का इंजेक्शन है? हाँ, कुत्ते काटे का इंजेक्शन तो लाल बहादुर में पहले बहुत अच्छे से लगता था, मुझे भी कुत्ते ने काटा था तो मैंने वहीं से लगवाया था, लेकिन अब इस 6 महीने से एकदम से बोला कि हमारे यहाँ कुत्ते काटे का इंजेक्शन खत्म हो गया, आप जीटीबी जाइए। वो लोग कागज बना देते हैं तो लोग जीटीबी से लगवाते हैं। अच्छा, और जो लोग दूर जाने से घबराते हैं बेचारे खरीद के, हाँ बेचारे खरीद के लगवाते हैं। और जैसे आपको यहाँ बैठे एक साल हो गया, हमने और भी मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं, उनमें किसी में तो कुत्ते घूम रहे हैं, किसी में गायें बैठी हैं जी। तो आपको सुचारू रूप से चलाने में कोई कठिनाई है, मतलब अलग से फंड आता है, मतलब आपने इतनी जो सुचारू रूप से नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि क्या पता ऐसा हो जगह पे खुले होंगे जहाँ की लोगों को लगा हो कि दवाइयाँ कम या ठीक से नहीं मिलती हैं इसलिए ऐसे मोहल्ला क्लिनिक शायद बंद पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो जब से यहाँ से आई हूँ यहाँ पर हमेशा मरीज बढ़ते ही चले गए। एक साल में पहले 70-80 की रेंज हुआ करती थी, फिर 100 हो गए, फिर 150, अब 120 हो गए, अब 150 की रेंज करीब करीब चल रही है यहाँ पर, और मतलब मरीज सेटिस्फाई है। पानी और टॉयलेट का क्या है? पानी का जैसे आपका सप्लाई पूरा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पानी का जो पाइप है वो टूटा हुआ है बहुत दिनों से और वो पीडब्ल्यूडी वालों की कहाँ का काम है। 7-8 महीने नहीं, पूरा एक साल हो गया। मेरे से पहले जो डॉक्टर थी डॉक्टर साबिया शेख, उनका उनके समय से ही टूटा हुआ है, एक साल से। उन्होंने भी कई एप्लीकेशन दिए पीडब्ल्यूडी वालों को कि हमारा बना दीजिए। अच्छा। फिर मैंने भी कई बार भेजा तो वो लोग बोले देख लेते हैं, कई लोग देखने भी आए लेकिन पता नहीं उन्होंने शायद सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं इसके दो प्लास्टिक की दीवारों के अंदर से पाइप जाता है वो हमें नहीं समझ आ रहा, जिसको भी उन्होंने भेजा उन्होंने जिनको भेजा ना उनको समझ में नहीं आया, जो भी स्टाफ उनका आया था। अच्छा। और उसके बाद से उन्होंने एक छेद कर दिया दीवार के ऊपर, उसमें 2 बाल्टी पानी हमारा भर जाता है उसमें। तो आपने हेल्थ मिनिस्ट्री को बोला अभी इसके बारे में? हाँ, जब भी बहुत ज्यादा वो तो बोलते हैं आपका आपके काम पीडब्ल्यूडी वालों को बार बार एप्लीकेशन देना और रिमाइंड कराते रहना है। मिनिस्ट्री की भी नहीं सुनते पीडब्ल्यूडी वाले जी, यही लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे, मतलब वो तो कहते हैं हमने हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया जी, हाल है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है। भी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे जो बीमारी है वो गंदे पानी की वजह से है जी, और केजरीवाल सरकार बोल रही है कि हर घर में साफ पानी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
पानी का साफ करने का, तो पीने का पानी शायद वो लोग साफ कर देते होंगे, लेकिन जो नॉर्मल पानी आता है नहाने वहाने का, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने बोरिंग वोरिंग खोद लिए हैं और जो सीपेज वगैरह मिक्स हो जा रहा है ना, उसको सुधार करने वाला कोई नहीं है। कई बार तो पानी में अच्छी खासी बदबू सी आती है और लोगों ने उसका दूसरे तरीके के या तो उबाल के पीते हैं या अपना आरओ वगैरह लगा के रखे हुए हैं। तो इस इलाके में तो पानी का कई बार बहुत गंदा आता है, पीले से रंग का पानी आता है, पानी में तो प्रॉब्लम है। पीसीएम की दिक्कत आ रही है। अर्शद रजा। हाँ जी, दवाइयाँ सप्लाई करते हैं पेशेंट को, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयों में आपको प्रॉब्लम होती है और कौन कौन सी दवाइयाँ आपके पास अवेलेबल होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती हैं? अवेलेबल मोस्ट ऑफ द मेडिसिंस है, ठीक है, कुछ एक दो है जिसकी अभी शॉर्टेज चल रही है, जैसे पीसीएम की चल रही है, ठीक है, मल्टीवाइटामिन की ड्रॉप्स आती है बच्चों की, उसकी चल रही है, और एस्थिलिन और बूडेकॉट के पंप, पर उसकी जगह सैरोफ्लो के आ जाते हैं। इंजेक्शन का तो नर्स बताएंगे, ये मेरे अंडर आता नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास बहुत है, एजिथ्रोमाइसिन 250 500, सेफालेक्सिन 125 250 500, एमोक्सिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन। हाँ जी, क्लेव नहीं है, क्लेव एसेंशियल ड्रग में इन्होंने इसमें डाली नहीं है लिस्ट में, वो डिस्पेंसरी के लिए है और हॉस्पिटल के लिए है बस। यहाँ पर इंजेक्शन वो बताएंगी, नर्स का है। हाँ जी, ये फार्मेसी में मेडिसिन है बस, ओरल मेडिसिन। मनीषा नाम। मनीषा जी, ये आप इस पोस्ट पे बैठ के आप कौन कौन सा काम करती हैं और कौन कौन से इंजेक्शन वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं जिसके लिए जो है आप ट्रीटमेंट करती हैं? सर, यहाँ पे टेटनेस का इंजेक्शन अवेलेबल है, टेटनेस बस। हाँ जी सर। नहीं, रेबीपुर का नहीं है। नहीं, और कौन कौन सा होने चाहिए यहाँ पे सैम्पलिंग? क्या सर? नहीं, सिर्फ टेटनेस का इंजेक्शन। सर डाइक्लो। आपका काम क्या है? सर मेरा काम इंजेक्शन सैंपलिंग और रजिस्ट्रेशन। क्या नेक्स्ट है आपकी? एमसीए। एमसीए मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट। कौन कौन से इंजेक्शन ऑथराइज है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और कौन कौन से हैं आपके पास और जो होने चाहिए वो नहीं है, कौन कौन से हैं? जो होने चाहिए वो नहीं है। सर फिलहाल हमारे पास टेटनस और डाइक्लो के इंजेक्शन है, दो है। कौन कौन से नहीं है जो होने चाहिए, जो ऑथराइज्ड है मोहल्ला क्लिनिक में होने चाहिए वो इंजेक्शन और वो अवेलेबल नहीं है? जैसे उन्होंने बताया कि पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम 6 महीने से अवेलेबल नहीं है। हाँ। उस तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑथराइज्ड इंजेक्शन है जो होने चाहिए और नहीं है? सर एम सेट रेंटेक होने चाहिए यहाँ पे, ताकि कोई गैस के वगैरह या वोमिटिंग के लिए कोई पेशेंट आए तो इसके लिए। हाँ जी सर। हाँ, रेबीपुर का होना चाहिए। हाँ जी सर। गायनी के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं। सही मिलती नहीं है दवाइयाँ। मैं 4 महीने पहले आया था। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब हैं वो, ये जो जैसे वहाँ मिलती है इलाहाबाद वैसा नहीं फैसिलिटी। ऐसा नहीं है फैसिलिटी आपको? नहीं सर। यहाँ क्या पानी की भी तकलीफ है आपको? पानी की भी परेशानी है आपको? पानी की परेशानी है, पानी इतना गंदा है। अच्छा। कि जैसे एक लैटरिन का पानी आ रहा है। अरे, शुरू शुरू में लैटरिन का पानी आएगा आधा 15-20 मिनट, उसके बाद में फिर आएगा ऐसा। आपने किससे शिकायत की, इसकी शिकायत की आपने? हमने देखो जी, यही हमारे नज़दीक तो यही कुलदीप सिंह हैं, केजरीवाल जी हैं। अच्छा अच्छा। इनको बोला है, मेरे वहाँ गेट हैं 11 नंबर, वहाँ गेट नहीं लग रहे, वहाँ लाइट नहीं है, ये जो गली में लाइट लगती है वो नहीं है 11 नंबर में। कहते क्यों है कि हमने इतना काम कर दिया उसके बावजूद पब्लिक के साथ इतना? देखो सर, बात यह है, काम तो खैर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ऐसे प्रॉब्लम क्यों? केजरीवाल ने काम किया है, लेकिन अब हर आदमी की तमन्ना पूरी, मेरे घर के आगे नहीं लगी, बाकी सबके आगे लगी हुई है। शुक्रिया सर। दिन में भी लाइट जल रही है।
ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नल में पानी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक है, टंकी टूटी हुई है, पानी अवेलेबल नहीं है।